अब आगे बढ़ते हैं कि आईपीसीसी ने तो बोला ग्रीन हाउस गैस खतरनाक है और ये नुकसान कर सकता है, तो इसे कम करने के लिए आप क्या करोगे? फ्रॉम रायो टू लीमा टू पेरिस समिट, उसकी बात करते हैं। अगेन 92 में क्या हुआ, ब्राजील का ये रायो डी जनेरियो शहर और उसके अंदर अर्थ समिट हुआ। ये प्रतिमा का क्या नाम है, क्राइस्ट द रिडीमर। तो वो ये भी निकाल सकते हैं, ये फेमस चीज है, ये प्रतिमा किधर है, रायो में। क्या तो 92 में ये अर्थ समिट हुआ, वहां से फिर सभी देशों ने चर्चा की ओके क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है। सो इट लेड टू यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1993 से लागू हुआ। फिर नियमित समय पे वो अलग अलग देशों में अपनी समिट करते थे। ऐसी एक समिट हुई इन द ईयर 1997 जापान के क्योटो शहर में और इसके चलते कुछ बड़ी बदलाव लाए गए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्योटो प्रोटोकॉल उसके 4 एनेक्स तैयार करने हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एनेक्स 1 और एनेक्स 2, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल आप विजुलाइज कर सकते हो, एक फाइल होगी और फाइल के अंत में ये कुछ एनेक्स दिए होंगे। फर्स्ट एनेक्स में आपको ऐसे देशों की सूची मिलेगी जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि हम स्वयं से ग्रीन हाउस गैस का इतना एमिशन कम करेंगे, लीगली बाइंडिंग ऐसा कुछ अपने ऊपर सर पे लिया है। तो एनेक्स 1 कंट्रीज, देन एनेक्स 2। एनेक्स 2 में आपके ऐसे देशों की सूची मिलेगी जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को, तीसरे विश्व को पैसा देंगे ताकि वो अपने जीएचजी एमिशन कम कर पाए। अब सवाल ये, एक और दो ऐसा अलग क्यों बनाया होगा? बिकॉज रशिया तो इट इज इन एनेक्स 1 बट नॉट इन एनेक्स 2, मतलब रशिया ने स्वयं से प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपना जीएचजी कम करूंगा बट हम तीसरे विश्व को पैसा नहीं देंगे। यूएसए की बात करें वो एनेक्स 1 कंट्री भी है, एनेक्स 2 कंट्री भी है, बट यूएस की संसद मतलब यूएस कांग्रेस उसने इस पूरी ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, मतलब उनके ऊपर कोई भी कानूनन जिम्मेदारी नहीं है एक भी काम करने की। और जिस देश का नाम 1 में भी ना हो और 2 में भी ना हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एनेक्स कंट्री, जैसे भारत है, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब लोग। तो मतलब इनके ऊपर जीएचजी कम करने का कोई टारगेट कोटा नहीं है और तीसरे विश्व को पैसा देने का भी नहीं, उल्टा ये लोग ही ऐसे कि फर्स्ट वर्ल्ड से हमें मिलना चाहिए। और ये सारी चीजों के चलते कनाडा ने अपना नाम इस पूरी गेम से निकाल लिया। वाई, वो ये कहता है कि रशिया वाले इतना तो वो क्यों पैसा नहीं दे रहे, यूएसए वो रेटिफाई क्यों नहीं कर रहा, चीन वो तो दूसरे नंबर पे है जीएचजी एमिशन में तो वो कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं रहा, देन वाई शुड वी पुट सम टाइप ऑफ कोटा ऑन आवर इंडस्ट्री, वाई शुड वी गिव मनी टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ऐसा बोल के वो तो गेम से ही निकल गए। सो UNFCCC और उसका ये क्योटो प्रोटोकॉल और उसका एनेक्स 1 2 देख लिया। अब कुल मिला के 4 महत्वपूर्ण है, 1 और 2 देख लिया, अब आते हैं ई और बी में। एनेक्स ई में आपको ग्रीन हाउस गैस की ऑफिशियल सूची मिल जाएगी जिसके अंदर 6 गैस का समावेश है। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन CH4, थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, पर फ्लोरोकार्बन दैट इज PFCs एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज HFCs। और फिर एनेक्स बी में आपको कोटा मिल जाएगा। आप याद करो एनेक्स 1 मतलब ऐसे देश जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि हम ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, तो फिर सवाल निकलता है कि कौन से ग्रीन हाउस गैस आप कम करोगे। सो यू रिफर टू एनेक्स ए जहां पर ये 6 गैस इनको कम करना है। और हर एक देश के ऊपर कितना कोटा है, लेट अस से कि 92 में इतना एमिशन था उससे कम करके इतना करना है, लाइक दैट। सो कोटा हर एक देश का कितना है वो एनेक्स 1 वाले वो आपको मिल जाएगा एनेक्स बी से। तो इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल और उसके 4 प्रमुख एनेक्स हमने देख लिए। अब केमिस्ट्री थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रीन हाउस गैस की कुछ चर्चा करते हैं। एज सच कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वो तो आपने बराबर तैयार किया होगा, ये बाकी जो 4 हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O। इसे ये नाम किसने दिया, फेमस केमिस्ट हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने एक और फेमस काम किया है, माइनर्स सेफ्टी लैंप का इजाद किया, तो आप विकिपीडिया से देख लेना वो उसका मैकेनिज्म क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड को डाई नाइट्रक्स मोनोक्साइड भी बोलते हैं और इसे एक और भी नाम है लाफिक गैस भी बोलते हैं। तो आपको एमसीक्यू में परेशान करने के लिए ये दूसरे नाम डाई नाइट्रस मोनोक्साइड या फिर लाफिक गैस, तो अगेन दे आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेज। एज सच इट इज वन टाइप ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो लिटमस पेपर पे वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। टेस्ट ऑर्डर में एज सच प्रमुखतः सभी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस उनका ऑर्डर और टेस्ट नहीं रहता, बट ये नाइट्रस ऑक्साइड इट हैज स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर। इट कॉजेज माइल्ड हिस्टेरिया एंड लाफिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। डेंटिस्ट्री में वीक एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं दांत निकालने के लिए और उस सारे काम में। ये एक प्रकार का बैक्टेरियोस्टेटिक है।
शब्द आप देखिए, बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होता है अगर आपने इसे कहीं पे लगा दिया तो वो बैक्टीरिया का ग्रोथ और नहीं होने देगा। एक दूसरा भी शब्द रहता है बैक्टीरियोसीडल, जैसे सुसाइडल होता है मतलब खुद को मार देना, उस प्रकार बैक्टीरियोसीडल क्या होगा, जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। दिट इज कुछ और केमिकल रहते हैं जो कि बैक्टीरियोसीडल रहते हैं, ये है बैक्टीरियोस्टेटिक। अगेन एमसीक्यू केमिस्ट्री में कुछ पूछ सकते हैं। और फास्ट एंड फ्यूरियस में वो विंड डीजल जैसा वो स्पेशल इस्तेमाल करता है, उस प्रकार के स्पीड इंजन में भी इसको यूज करते हैं, कैटालिटिकल कन्वर्टर और वो जो भी। अगेन विकिपीडिया या नेट से आप देख लेना उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है और फैक्टोइड। ओके ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने को पता है वो कुछ आप जलाएंगे और फिर एमिशन हुआ। ये नाइट्रस ऑक्साइड ये कैसे एमिट होता है, किसान जब भी एमोनियम नाइट्रेट और इस प्रकार के नाइट्रो बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर ब्रेक डाउन होते हैं और वहां से नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, लाइक दैट वो जीएचजी एमिशन होता है। उसी प्रकार ये विंड डीजल जैसे लोग कैटालिटिकल कन्वर्टर और ऐसे स्पीड इंजन में जब इस्तेमाल करते हैं, अगेन इट लीड्स टू एमिशन। एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैस की क्वांटिटी के रूप में हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरे नंबर पे आएगा मीथेन और तीसरे नंबर पे आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, बट ओनली इन सम नेशन, ये सभी देशों में नहीं होगा। हो सकता है स्वीडन नॉर्वे वहां पर कुछ और वो यूज करते हो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में, तो पिक्चर अलग हो सकता है। अगेन ये मैंने इसलिए क्वेवियट रखे हैं ताकि वो कुछ ऐसा कि हर एक देश में ऐसा होता है, अगेन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन थियरी कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है उसको ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, वो टेम्परेचर रिटेन करता है, बाहर नहीं एस्केप होता है। और उस तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस या टेम्परेचर बढ़ाने का पोटेंशियल अगर हम गिने कि वो एक है, तो उसके अनुपात में ये नाइट्रस ऑक्साइड 320 गुना ज्यादा उसका पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग करने में। ये ओजोन डिप्लीशन भी कर सकता है, ऐसा कुछ एजुकेशनल यूनिवर्सिटी साइड का बोलना है। ठीक है, तो एक था नाइट्रस ऑक्साइड, वो देख लिया। फिर एक और ग्रीन हाउस गैस SF6, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली भी वो अकर कर सकते हैं, जैसे गोबर से मीथेन निकला वॉल्केनिक इरप्शन, या कुछ लकड़ी फॉरेस्ट फायर से जल गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। बट सल्फर हेक्साफ्लोराइड वो ऐसे नेचुरली अकर नहीं करता, इट इज एंटायरली अ मैन मेड गैस। वो यूज कहां पर होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर के अंदर और मैग्नीशियम का स्मेल्टिंग करते वक्त, और इन इंडस्ट्रियों में यूज करने के लिए इसे बनाते हैं और वहीं से लीकेज होके ये पर्यावरण में जाता है, क्योंकि ये मैनमेड गैस है और एज सच ये एयर से 5 गुना ज्यादा हैवी है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका कार्बन डाइऑक्साइड से 23,000 गुना ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा जीएचजी या ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल रखता है। आगे पीएफसीज, दैट इज पर फ्लोरोकार्बन्स, अगेन दे आर ऑल्सो मैनमेड, कलर ऑर्डर फ्लेमेबल नहीं है, सेमीकंडक्टर यूज इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फिर एक मॉन्ट्रियल ट्रीटी बनी थी कि हमने ओजोन डिप्लीशन से लड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक गैसेस पे प्रतिबंध रख देते हैं, तो उस वक्त जिन गैस पे प्रतिबंध रखा गया वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वो सारी चीजें, उनके साथ इसे मिक्स किया जाता था उस जमाने में। आज की तारीख में ये कहां से निकलता है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जब बना हो तो लीकेज के रूप में निकलता है। मीथेन अगर ऐसे ही निकल जाए तो 10 सालों में अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा नेचुरली, लेकिन ये परफ्लोरोकार्बन क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है तो हजारों सालों तक ऐसे ही विदाउट ब्रेक डाउन वो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। एक और गैस HFC, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल ट्रीटी के अंदर कुछ गैस पे प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री कैसे चलाओगे, तब बोला गया कि वो के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर परमिटेड। इनका भी कलर ऑर्डर नहीं है, ये भी मैनमेड है, और पोस्ट मॉन्ट्रियल ट्रीटी के बाद ये CFC और HCFC के सामने इनके एवज में इसे यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एरोसोल इंडस्ट्री। ये भी 100 सालों तक एनवायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को बोले कि वो एक है, तो ये बाकी के सभी गैस उससे ज्यादा है, उसके बाप है। मीथेन 21 गुना ज्यादा उसकी क्षमता है ग्लोबल वार्मिंग करने की। नाइट्रस ऑक्साइड हमने देखा 320 टाइम्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वो 100 से लेके 1300 तक। आप यहां पर देखिए रेंज क्यों दिया है, बिकॉज इट इज नॉट वन गैस। HFCs वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, अलग अल अलग उसके भी सब टाइप रहते हैं। सेम वे पर फ्लोरोकार्बन तो उसके भी 5000 से 10000 तक। और मैक्सिमम पोटेंशियल किसका है ग्लोबल वार्मिंग का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 23,000 गुना ज्यादा, और हवा से भी ये 5 गुना ज्यादा है, सो हैवियर है। तो अगेन ट्विस्टिंग MCQ आपको कुछ पूछ सकते हैं। आगे
एनसीआरटी से ओजोन डिप्लीशन एक्सर तो आपको पता ही होगा, ओजोन स्तर में गाबड़ू केवी रीते पड़े छे, बट अपनी एनसीआरटी क्लास 11 उसका केमिस्ट्री चैप्टर 14 है एनवायरमेंट केमिस्ट्री, वो आराम से पढ़ लेना आप, उसके अंदर पेज 405 से आगे तक पढ़ना है। आप क्या फोकस करोगे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो टॉक्सिक है कि नहीं है, सेकंड वो रिएक्टिव है कि नहीं है, मेरे ख्याल से वो नॉन रिएक्टिव है और इस कारण से रेफ्रिजरेशन में यूज करते वगैरह, फिर एज सच वो ओजोन को कैसे खराब करते हैं वो क्लोरीन के साथ कुछ केमिकल प्रोसेस, तो वो क्या है, ये लोग ये सीएफसी वगैरह क्लोरीन रेडिकल को ऊपर ले जाते हैं तो वो रिएक्टिव एजेंट के रूप में ले जाते हैं या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के रूप में ले जाते हैं, क्या इनको प्लास्टिक फॉर्म बनाने में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये ओजोन डिप्लीशन की प्रक्रिया में पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड इनकी क्या भूमिका है, इस सारे मुद्दों पे मिलते जुलते सवाल एनडीए सीडीएस सीएपीएफ में पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई बेसिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ये क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 14 आराम से आप पढ़ लेना, ठीक। तो एक तो क्योटो प्रोटोकॉल और वहां क्या था एचएफसी, पैरेलल टू दैट एक और चीज इन द ईयर 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका क्या प्रयोजन था, ये ओजोन स्तर को नुकसान करने वाले कुछ गैसों पे प्रतिबंध डालना है, ऐसा एक गैस रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या सीएफसीज आल्सो नोन एज फ्रीऑन्स, सेकंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज एचसीएफसीज, ये दोनों ओजोन स्तर को नुकसान करते हैं तो रेफ्रिजरेशन एरोसोल इंडस्ट्री में इनका धीरे धीरे फेज आउट करके प्रतिबंध डालना है, बट एट द सेम टाइम एक चीज को इन्होंने इससे बाहर रखा, दैट वॉज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज एचएफसीज, वो ग्रीन हाउस गैस तो है क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से बट ओजोन डिप्लीशन नहीं करते, इसलिए मॉन्ट्रियल ट्रीटी में वो समाविष्ट नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो याद ये रखना ओजोन स्तर को वो नुकसान कैसे करते हैं, वो क्लोरीन रेडिकल के जरिए, तो जिनके नाम में क्लोरो हो ऐसी चीजों पर प्रतिबंध है, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज सीएफसी और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज एचसीएफसी, ये दोनों पे प्रतिबंध, ठीक है। अब तक जो पढ़ा ये क्योटो और मॉन्ट्रियल कुछ एमसीक्यू निकल सकता है, सही विधान पकड़िए, पहला विधान बोथ सीएफसी एंड एचएफसी कैन बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, सेकंड स्टेटमेंट क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू कब द एचएफसी व्हाइल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स टू कब सीएफसी, दोनों सही है दोनों गलत है क्या, कितनों को लगता है सी होना चाहिए, कितनों को लगता है डी होना चाहिए, ओके बी ओनली ए, देख लेते हैं कन्वेंशनल लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करें कि हाँ सीएफसी एचएफसी दोनों को रेफ्रिजरेशन में यूज कर सकते हो इन थियरी, सेकंड दूसरा विधान क्या है क्योटो प्रोटोकॉल एम्स टू कब एचएफसी और मॉन्ट्रियल सीएफसी, मैंने बताया आपको कंफ्यूज हो जाओ तो एक्सपांड कर दो टर्म को, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो क्लोरो आ गया मतलब वो ओजन को नुकसान तो मॉन्ट्रियल और क्योटो में तो रट्टा मारना ही है वो छह गैस उसमें एक एचएफसी, सो इन दिस मैनर द करेक्ट आंसर विल बी सी बोथ ए एंड बी ए राइट, लेकिन अगर आप जितना आराम से सोचे तो ये पहला वाक्य देखिए बोथ सीएफसी एंड एचएफसी कैन बी यूज इन रेफ्रिजरेशन, तो आप देखिए ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कैन बी यूज में इन थियरी तो हाँ वो दोनों को यूज कर सकते हैं वो नॉन रिएक्टिव और ये उनका प्रॉपर्टी है तो, बट इन प्रैक्टिस दोनों को यूज नहीं कर सकते बिकॉज सीएफसीज आर बेंड अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगर इस लॉजिक पे जाए देन आंसर विल बी ओनली बी इज करेक्ट, सो मतलब क्या है एक प्रकार का डिबेटेबल सवाल है सनसेट है कि सनराइज है, ऐसे चार पांच सवाल हर एक यूपीएससी में आपको मिल जाएंगे, दवाई ये हो सकती है उस वक्त आपके दिल को तसली हो जाए यू टिक इट अदरवाइज मे बी लीव इट डिपेंड करता है। खैर वापस आते हैं, ये तो मैंने क्योंकि ये सवाल बनाया है तो मेरे हिसाब से तो इसका जवाब होना चाहिए सी बोथ ए एंड बी क्योंकि इन थियरी वो यूज कर सकते हैं, बट अगेन उसके एग्जामिनर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट फ्रेम किया हो उस वक्त वो क्या सोच रहा है दैट डिपेंड्स ऑन हिज इंटरप्रिटेशन। एंड इस वापस आते हैं कि एक तो राव समिट उसके बाद 93 में बना यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और उसके बाद 97 में क्योटो समिट हुआ जिसके चार प्रमुख एनेक्स हमने देख लिए, एनेक्स वन ऐसे देश जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है जीएसजी कम करेंगे, एनेक्स टू ऐसे देश जो कि तीसरे विश्व को खैरात में पैसा देंगे, एनेक्स ए जहां पर 6 जीएसजी का लिस्ट और उसकी थोड़ी हमने केमिकल प्रॉपर्टी वो समझ लिया, एंड देन एनएक्स बी की ये एनएक्स वन वाले देशों का कोटा की वो कितना इतने लेवल पे हमने कम करना है, ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो इस लिंक पे मिल जाएंगी, उसके साथ कार्बन क्रेडिट और वो क्या चीजें हैं अभी आगे इसी लेक्चर में इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर उसकी चर्चा करेंगे।
ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज और वो सारी बातें, रायो रेवोल्यूशन, आईपीसीसी रिपोर्ट देख लिया, क्योटो से पेरिस तक जाना है, क्योटो समिट हमने देख लिया, अब उससे आगे बढ़ते हैं। अगेन क्योटो समिट 97 में हुआ, एनएक्स वन कंट्री ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है एज पर देयर कोटा गिवन इन द एनएक्स बी, ये बात। अब उसके बाद भी नियमित रूप से अलग अलग देशों में ये UNFCCC की समिट होती रही। 2012 में ऐसी समिट हुई कतर में, कतर में ये बोला गया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो भी कोटा और प्रावधान है वो 2020 तक हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन 2020 के बाद क्या करना है वो पूरा फ्रेमवर्क 2015 तक हमने तैयार करके रखना है। और इसी अनुसंधान में दिसंबर 2015 में एक समिट होने वाली है, कौन सी, पेरिस समिट, ठीक है। तो ये कुछ रोड मैप इस प्रकार से बन रहा, और पेरिस समिट 2015 में जो होगा उसका क्या है फंडा, कि ये 2020 के बाद जो काम करना है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के नियम उस वक्त समाप्त हो जाएंगे, वो फ्रेमवर्क हमने 2015 तक बना देना था, ऐसा कतर समिट में बोला, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस वन। तो एक तो ये पिलर चल रहा है कि क्योटो 92 में रायो समिट, फिर UNFCCC बना 97 में क्योटो, और वो 2020 में खत्म होने वाला था, उससे पहले 2015 दिसंबर में पेरिस समिट में आप कुछ लेके आओ, एक मुद्दा ये। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या, रायो समिट 92 में उसका निकला एजेंडा 21, आगे चल के उससे पैरेलल यूनाइटेड नेशंस ने साल 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो MDG, उसके अंदर की ये चाइल्ड मोर्टालिटी इतना कम करना है, लाइक दैट एजुकेशन में ये वो सारी जब, तो साल 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बने, और उसका डेडलाइन क्या था, 2015। जैसे यहां क्योटो का क्या है 2020, यहां पर है 2015, तो इन्होंने भी फिर सोचना शुरू किया, ओके ये 2015 में खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे। तो 2012 में एक समिट हुआ, रायो प्लस 20 समिट, फिर उसके अंदर चर्चा करते करते कुछ सस्टेनेबल गोल निकाले, उनका भी ये इन्होंने टाइम फ्रेम बना के रखा है, साल 2015 उसके सितंबर महीने तक हम लोग यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आएंगे, जो कि ये MDG को रिप्लेस करेंगे आगे वाले समय में। सो अब बड़ा पिक्चर क्या बन रहा है कि ये पेरिस समिट दिसंबर 2015 में वहां क्या करना है, क्लाइमेट चेंज की कुछ दवाई करेंगे, और सितंबर 2015 तक क्या करना है, ये MDG के बदले नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करके कोई ऐसी चीज बनाई जाए, ऐसे कोई टारगेट बनाए जाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता रहे, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई भी होती रहे, दैट इज द पोस्ट 2020 एजेंडा या पोस्ट 2020 रिफॉर्म्स या जो भी। तो अब ऐसे में मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए, देन यू नो कि हाँ ये लोग क्या करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच कोई सातत्य संकलन करना है, दैट इज द पोस्ट 2020 एजेंडा इन अ लार्जर मैनर। खैर वापस आते हैं अपना जो मुद्दा, क्योटो से लेके पेरिस तक जा रहे थे हम लोग, राइट, रायो समिट, और उसके बाद रायो समिट में से तीन चीजें निकली थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये UNFCCC क्लाइमेट चेंज 97 में क्योटो समिट हुआ, एनएक्स कोटा की बात करी, और फिर नियमित रूप से कहीं ना कहीं समिट होती रही। ऐसी एक समिट हुई दिसंबर 2014 पेरू के लीमा शहर में, टेक्निकली इट इज कॉल्ड 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर UNFCCC, ये वाले लोग 92 से जो चलते आ रहे हैं, और 10th समिट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, उसकी वो आप याद करो एनएक्स वन कंट्रीज और वो जो लोग, तो मतलब 20वीं समिट सभी के लिए, 10वीं समिट क्योटो वाली जनता के लिए। तो इस प्रकार से ये पूरे लीमा समिट चल रही है। ऐसा 97 क्योटो समिट, फिर कुछ ना कुछ होता रहा होगा, प्रमुख समिट कौन सी, 2012 में कतर समिट, याद क्यों रखनी है, बिकॉज इट एक्सटेंडेड द क्योटो डेडलाइन टू द ईयर 2020, और फिर बोला 2015 तक कुछ करना है। 2013 में हुई वार्सो में, 2014 में हुई लीमा समिट पेरू में, 190 कंट्रीज पार्टिसिपेट, और 15 में कतर होगी पेरिस के अंदर। अब आते हैं लीमा समिट, इट्स मेजर आउटकम्स एंड क्रिटिसिज्म, दिसंबर 2014 में हुई, और सभी ये पेरिस समिट हो, लीमा समिट, आईपीसीसी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट कॉमन रहता है कि हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे टाइम में जो भी तापमान था उसके ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस उतने में ही ग्लोबल वार्मिंग को काबू में करना है, लेकिन अभी जो प्रदूषण की समस्या उस ट्रेंड से चलते जाएंगे तो अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट बोलता है कि अराउंड वर्स के सिनेरियो में 4.8 डिग्री तक हो सकता है, मतलब जो अपना टारगेट है 2 डिग्री में काबू में रखना वो करना आवश्यक है। अभी के समय में अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन है अराउंड 50 गीगा टन्स, अगर हम उसे कम करते करते 41 गीगा टन्स कर दें
देन वी विल बी एबल टू अचीव दिस 2 डिग्री टारगेट। और क्योंकि यहां पर बात क्या हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना है, सो इट इज कॉल्ड मिटिगेशन प्रोसेस। अभी आगे साइड में हम देखेंगे मिटिगेशन एडेप्टेशन में क्या फर्क है, बट याद ये रखना ग्रीन हाउस गैस को सीधा ही कम करने की जो भी बात चल रही हो दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन प्रोसेस। और ये पूरी प्रक्रिया करते वक्त हम लोग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, मतलब प्रथम विश्व की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू द थर्ड वर्ल्ड। आगे कुछ इन्होंने टाइम फ्रेम दिए हैं। फर्स्ट थिंग बाय 2015 में हम लोग ये जो पेरिस समिट दिसंबर में होने वाली है उसमें जो भी ड्राफ्ट निकालना है उसका कोई ड्राफ्ट अग्रीमेंट पुलिंदा बना के तैयार रखेंगे, लेकिन ये काम ये लोग पूरा नहीं कर पाए क्योंकि लीमा समिट में कोई अनुमति उनकी सहमति बनी नहीं। अगर भी ये लोग मिलते रहे जैसे जर्मनी के बॉन शहर में इनकी समिट होती रही, बट वो अभी भी पूरी चीज हैंगिंग ऑन फायर। अब बोलते हैं कि अगस्त 2015 तक कुछ ड्राफ्ट लेके आएंगे। सेकंड डेडलाइन अगस्त 2015, अक्टूबर तक सभी देशों ने अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड INDC गोल UNFCCC और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, वहां पर जमा कराने होंगे। ये INDC डॉक्यूमेंट में क्या हर एक देश अपना बोले कि हमारा अभी ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और हम इसे इतना कम करने का कुछ सोच रहे हैं। बाय नवंबर 2015 UNFCCC अपने न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में बैठे बैठे ये सभी देशों का जो भी आया उस डेटा की मदद से कोई चीज तैयार करेगा कि हाँ इतना हर एक देश ने कम करना चाहिए ग्रीन हाउस गैस वगैरह, और उसके लिए इतना पैसा चाहिए होगा और ये देश इतना पैसा देंगे। ये जो भी INDC है हर एक देश ने पहले से जो कमिटमेंट किया है उससे वो ज्यादा बड़ा कमिटमेंट उन्होंने करना पड़ेगा INDC में। फॉर एग्जाम्पल रशिया आप याद करो इट इज वन टाइप ऑफ NX1 कंट्री, तो उसने उस वक्त बोला होगा कि हम अपना GHG इतना कम करेंगे वगैरह। इन्होंने अपना INDC जमा कराया है जिसके अंदर ये बोला है साल 1990 वो होगा हमारा बेस ईयर, उस वक्त जो भी GHG एमिशन था हमारे देश का उसके 70-75% में हम काबू कर लेंगे अपना एमिशन, और इसकी डेडलाइन उन्होंने स्वयं बोली है 2030। तो ये हो गया इनका एक प्रकार का INDC, और इस प्रकार से सभी देशों ने कुछ ना कुछ जमा कराना है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पे। 4 क्रिटिसिज्म निकाले लीमा समिट के। फर्स्ट इज फेविकॉल की तरह यहां पर कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, ऐसी जो भी समिट कॉन्फ्रेंस जो भी होता है उसके अंत में सभी पार्टिसिपेंट साथ में एक कोई डॉक्यूमेंट प्रकार का कुछ आउटकम्स डॉक्यूमेंट रखते हैं। अगर आप उसकी टेक्स्ट पे पढ़े तब आपको पता चलेगा कि फेविकॉल की तरह यहां पर कुछ भी बाइंडिंग नहीं है। स्टेटमेंट आप पढ़िए, नेशंस आर इन्वाइटेड टू गिव कमिटमेंट्स व्हेन दे आर रेडी टू डू सो। आप समझो इन्वाइटेड When they are ready to do so, मतलब ये INDC कब जमा कराना है उसकी कोई लीगल डेडलाइन इन्होंने तय नहीं की, इवन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड कोई जिम्मेदारी नहीं। सेकंड थिंग कंट्रीज मे इंक्लूड बेस ईयर डेडलाइन एंड प्लानिंग इन देयर INDC क्लोज। आप देखो मे इंक्लूड, मर्जी हो तो करना हो, मतलब ये रशिया वालों तो चलो उन्होंने तो बोल दिया अपना बेस ईयर क्या 1990, डेडलाइन क्या 2030 और टारगेट क्या 70-75% कम करना है, सो दे हैव डन, बट बाकी के देशों वो अगर आपकी मर्जी है तो आप डालिए अदरवाइज नथिंग। तो कई सारे देशों ने प्लेट तो जमा करा दी बट दे हैव गिवन वेरी वेग थिंग्स अबाउट देयर डेडलाइंस एंड बेजर एंड ऑल दैट। आगे बात जैसे वो है अपना भारत का सिविल न्यूक्लियर डील, तो IAEA के अफसर आके भारत के सिविल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार का यहां कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये UNFCCC या ऐसी कोई फॉरेन ऑडिटर आके आपके देश में देखे कि रशिया है तो ओके आपने 2030 तक क्या क्या काम किया, कितना पैसा डाला, कितना कम किया GHG एमिशन, नो नथिंग सर, ऐसा कोई भी ऑडिटिंग मेजर नहीं है। और ये क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चीन और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया कि ऐसे अगर फॉरेन ऑडिटर आएगा तो वो हमारे देश के सॉवरेनिटी को नुकसान करेगा। सो पहला लीमा समिट का मेन क्रिटिसिज्म देयर इज नथिंग बाइंडिंग लाइक फेविकॉल, कोई चीज यहां पर की मानने को ही तैयार नहीं तो फिर आगे आप क्या करोगे। सेकंड थिंग क्लाइमेट चेंज से लड़ना हो तो ढेर सारा पैसा चाहिए। एज सच ये सभी समिट में UNFCCC में पिछले 2-3 वर्षों से बोल रहे हैं कि 2020 तक हमने $100 बिलियन का फंड जमा करना है, लेकिन लीमा समिट में कोई रोड मैप तय नहीं किया गया कि प्रथम विश्व के ये लोग इन पे इतना कोटा और इन्होंने इतना सारा पैसा जमा कराना है। सभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को भी वो भी मे
प्लेज समथिंग, तो ऐसा करके हार्डली $10 बिलियन का ही फंडिंग आया है। आगे ये जो भी फंड में पैसा आया उससे तीसरे विश्व के देशों को पैसा देना है, राइट। बट वो पैसा देना है तो किसको कितना देना है? आपको जितना नुकसान हुआ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के चलते उसका लॉस एंड डैमेज उसका कोई पैरामीटर व्याख्यायित करना पड़ेगा। लाइक मालदीव्स कैन से कि हमारे कंट्री का इतना कोस्ट लाइन वो चला गया समंदर में ये ग्लोबल वार्मिंग और ओशन लेवल राइजिंग के चलते, तो हमें इतना पैसा चाहिए। सो ऐसा कोई लॉस एंड डैमेज को व्याख्यायित भी ये लोग नहीं कर पाए। तो पहले दो क्रिटिसिज्म, बाकी के दो क्रिटिसिज्म, इनको एक ये जिम्मेदारी दी गई थी दिसंबर 2015 में होने वाले पेरिस समिट, उसका कोई ड्राफ्ट टैक्स आप बना के रखो कि इतने इतने पर तो कुछ अग्री करना है, ऐसा कुछ। वो ड्राफ्ट टैक्स ये लोग बना नहीं पाए। फिर बोला कि मई 2015 तक कुछ करेंगे। उसके अनुसंधान में जर्मनी के बोन शहर में मीटिंग करते रहे, 85 पेजेस का उन्होंने भी डॉक्यूमेंट कुछ बनाया है, बट अगेन दैट इज सेम लाइक दिस फेविकॉल, नथिंग इज बाइंडिंग। फिर बोला कि आगे ठीक है, अभी आगे अगस्त में मिलेंगे फिर कुछ तय करेंगे। सो लाइक दैट इनका कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चर्चा कर रहे हैं तो एडेप्टेशन पे ज्यादा फोकस है, मिटिगेशन पे कम फोकस है। मिटिगेशन मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है, फॉर दैट दे आर नॉट मच कंसर्न। और लास्ट क्रिटिसिज्म मीडिया के ऊपर, वेस्टर्न मीडिया, फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया, इन्होंने लीमा समिट की इन कमजोरियों को उजागर करने की बजाय बस वो केवल साउंड बाइट समरी ही देते रहे, और भारत और चाइना को इन्होंने केवल विलन के रूप में ही प्रोजेक्ट किया। जब जब भारत चाइना ने बोला कि भाई सीबीडीआर होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ग्लोबल वार्मिंग के सामने लड़ने में मदद तो करेंगे बट फर्स्ट वर्ल्ड ने ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा, जब जब भारत चीन ने ये बोला, फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया वालों ने हमको ही ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ऑब्स्टेकल करने वाले ऐसे के रूप में प्रोजेक्ट किया है। सो लीमा समिट के ये चार क्रिटिसिज्म। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज, उससे लड़ना है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या राव समिट से कुछ एवोल्यूशन हुआ? आईपीसीसी का फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, फिर क्योटो से लेके पेरिस समिट तक कैसे पहुंचना है? अब इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड है, जलवायु परिवर्तन पे भारत का क्या रुख है? एज सच ये पूरा मैटर बनेगा मुख्य परीक्षा पेपर 2 के लिए। भारत के रुख की बात करनी हो तो 3 पिलर पे चर्चा करनी पड़ेगी। फर्स्ट विल बी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड विल बी फंडिंग पैसा कौन लाएगा, एंड थर्ड विल बी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। मेन आउटकम यहां पॉइंट पे दिए हैं, अभी स्लाइड में चर्चा करेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, जिम्मेदारी की बात। औद्योगिक क्रांति वो 1850 से लेके हम अगर साल 2011 तक पूरे विश्व में से जनरेट हुए CO2 का आकलन करें तो पता चलेगा USA ने 21% इतने सालों में सबसे ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट किया CO2। सेकंड नंबर पे होगा यूरोपियन यूनियन, और भारत तो केवल 3% ही उसने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब ये सारे देश, इन्होंने औद्योगिक क्रांति और इतनी सारी पॉलिटिंग इंडस्ट्री लगा दी, अपना सबका डेवलपमेंट कर दिया, और फिर अब ये ऐसा बोलते हैं कि भाई सबने GHG कम करना होगा, तो वो कैसे संभव है? ग्राफिकली भी इकोनॉमिक सर्वे ने ये दिखाया है कि अपना टोटल एमिशन और पर कैपिटा एमिशन वो बहुत ही कम है डेवलप्ड और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अनुपात में। सो भारत ने जो हमेशा बोला है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR, उसका मतलब ये है क्लाइमेट चेंज से लड़ना वो सभी लोगों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बट थर्ड वर्ल्ड विल नॉट बियर द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द फर्स्ट वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री की जिम्मेदारियां अलग अलग होनी चाहिए, बिकॉज वी एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, वी आर नॉट द कॉज ऑफ दिस एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशन। पुराने दशकों में वो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? प्रथम विश्व ने किया है। फॉर द सेम रीजन, मान लो आ गए पोस्ट 2020 एजेंडा में, आप कुछ कोटा सिस्टम लेके आओ कि हर एक देश को इतना इतना CO2 एमिट करने की छूट है, तो इस प्रकार का जो भी कार्बन बजट बने या ग्लोबल एटमोस्फेरिक रिसोर्सेज का विभाजन किया जाए, वो भी इस हिसाब से फेयर मैनर में होना चाहिए। जैसे आप वो याद करो, इनकम टैक्स में होता है गरीब लोगों पे कम बोझ, मिडिल क्लास एंड देन, उसी प्रकार से यहां कोई सिस्टम होना चाहिए। UNFCCC, उसकी ये पेरिस समिट होगी, अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। उसने मई 2015 में ये बोल दिया है कि UNFCCC और उसकी कोई भी समिट में इंडिया एक्सेप्ट नो लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स। हमारे ऊपर लीगली कोई बाइंड किया जाए कि हमने क्लाइमेट चेंज में इतने बजट में पैसा डालना होगा या अपना GHG साल 1990 के अनुपात में इतना कम होगा, वी विल एक्सेप्ट नथिंग लीगली बाइंडिंग।
और हम तो अपने साथ अपने जैसे लाइक माइंडेड कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे टू अचीव 3 लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। भारत के 3 लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट इज हमने गरीबी के सामने लड़ना है, उसे कम करना है। सेकंड, इन सभी गरीबों को एनर्जी एक्सेस भी दिलवाना है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर कोयले से चलने वाले पावर प्लांट भी चला के अगर हमने इनको एनर्जी देनी पड़ी तो हम देंगे। आप बोलो कि सोलर एनर्जी में इतना डालो, वी मे नॉट डू सो। सेम रीजन, हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्ट तो करना है बट साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी तवज्जो देनी है, ओनली देन वी कैन रीप आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो आगे चल के अगर हमने पब्लिक हियरिंग को डायल्यूट करना पड़े या फिर कि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे जन सुनवाई के सिवाय ही कोर फॉरेस्ट एरिया के बाहर सभी जगह खड्डे खोद के लंबी लंबी रेल लाइन पावर लाइन लगानी पड़ेगी, वी विल डू सो। वी एक्सेप्ट नथिंग लीगली बाइंडिंग। हमारे 3 लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, सभी को एनर्जी एक्सेस देनी है और एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करना है। सो वट एवर वी डू वी विल बी गाइडेड बाई दिस प्रिंसिपल्स। लेकिन साथ साथ ऐसा भी नहीं कि हम लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, हम भी अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैस कम करने में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कुछ काम करेंगे। लीगली बाइंडिंग नहीं बट अपने वॉलेंटरी स्वेच्छा से दिए गोल बनाए हैं और डेडलाइन बनाया है 2020। 2020 तक हम क्या करेंगे? वी विल रिड्यूस नॉट ग्रीन हाउस गैसेज बट एमिशन इंटेंसिटी ऑफ अवर जीडीपी। आप समझो जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है बट वो उत्पादन करते वक्त भी एनर्जी, ग्रीन हाउस गैस वो सब तो निकलता ही होगा। सो उसकी इंटेंसिटी हम कम करेंगे बाय 20-25% कंपेयर टू साल 1990, नहीं साल 2005। और यहां पर भी एग्रीकल्चर एमिशन को बाकात रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं बट एमसीक्यू के लिए तैयार करनी है। आप फोकस करो, सभी चीज एमिशन इंटेंसिटी कम तो करेंगे बट एग्रीकल्चर एमिशन उसमें से बाकात रखेंगे। एग्रीकल्चर एमिशन बाकात क्यों रखना है आप याद रखो, याद करो, फार्म लैंड वहां पर नाइट्रोजन बेस्ड एमोनियम नाइट्रेट ऐसा कोई फर्टिलाइजर यूज किया, वो ब्रेक डाउन होकर नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट करेगा, दैट इज वन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अगर हम ऐसा कुछ बोले देन वी आर मॉरली ऑब्लाइज्ड कि भाई किसानों को वो यूरिया और एमोनियम नाइट्रेट इन सब पे जो भी सब्सिडी देते हैं वो पहले से कम करनी पड़ेगी, राइट? अगर हम बोलते हैं कि सभी जगह कम करवाना है तो वो फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स को नुकसान कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आप देखिए कैसे केयरफुली हर एक चीज को उन्होंने वर्ड किया है। खैर, तो वॉलेंटरी लिए अपना कुछ गोल है 2020 तक एमिशन इंटेंसिटी कम करना है 20-25%। और ये सब लागू करने के लिए हम अपने पैसों से ही कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं। हमने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NEP CC बनाया है, सोलर मिशन कर रहे हैं, पैट स्कीम और वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो भी काम हो आगे भी उसमें एडेप्टेशन और मिटिगेशन इन दोनों पे 50-50% वेटेज होना चाहिए। एंड दैट लीड्स टू अवर सेकंड पिलर कि भारत का जलवायु परिवर्तन के सामने क्या रुख है। एक तो हमने देख लिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने तो पूरा जैसे फर्स्ट वर्ल्ड ने पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया, वी आर येट टू रेप द फ्रूट्स। हमने पॉवर्टी और एनर्जी एक्सेस के रिलेटेड कुछ काम करना है, सो CBDR। सेकंड मुद्दा आता है पैसा कौन कहां से देगा। वहां पर हमारा फोकस है एडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों के लिए 50-50% फंडिंग होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम आते हैं अब मिटिगेशन एडेप्टेशन में क्या अंतर है। किताबों में वेबसाइट पे पूरा बोल बच्चन करके कंफ्यूज हो जाता है। आसानी से इसे समझना हो IPCC और उसका 2007 रिपोर्ट, उस हिसाब से अगर हम समझ ले तो बहुत आसान है कि मिटिगेशन क्या और एडेप्टेशन क्या है। मिटिगेशन का मतलब ऐसी कोई भी प्रवृत्ति जिसके चलते ग्रीन हाउस गैस का डायरेक्टली एमिशन कम हो जाए। मान लो कर सरकार ऐसा कानून बनाती है कि बायोफ्यूल यूज करना है या इथेनॉल ब्लेंडिंग या ये बायोडीजल यूज करना है लाइक दैट, तो स्वाभाविक है उसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। सो डायरेक्टली GHG कम हुआ, सो इट इज अ मिटिगेशन टाइप ऑफ लीगल रिफॉर्म या मिटिगेशन रिफॉर्म। उसी प्रकार सरकार अगर कोई कानून बनाए कि ये गोबर और इस प्रकार की कुदरती खातर मैन्योर्स उसका स्टोरेज के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए तो उससे भी आप समझो कि मीथेन का एमिशन कम होगा। अदरवाइज खुले में ही गोबर पड़ा रहे तो ज्यादा मीथेन जनरेट होगा। सो अगेन मीथेन इज लाइक NHA, वो एक प्रकार का GHG है। सो अगेन डायरेक्टली यू हैव लेड टू डिक्रीज, तो इट इज मिटिगेशन प्रोसेस। उसी प्रकार ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उसके यूज पे ऊपर कोई नियम कानून बनाया जाए तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कम होगा, अगेन डायरेक्टली GHG कम हुआ। सो दिस सच दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, वो है मिटिगेशन। प्रथम विश्व
डेवलप कंट्रीज, उनका हमेशा प्रायोरिटी क्या रहता है कि भाई मिटिगेशन करवाना है खुद के देश में ही और दूसरे के देशों में भी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनएक्स वन ये क्या है, ये सब इनके ऊपर इन्होंने कसम खाई है कि हमने जीएचजी को कम करना है, दैट्स व्हाई देयर प्रायोरिटी इज ऑलवेज कि मिटिगेशन करना है, जीएचजी गैस कम करना है। सामने एडप्टेशन, एडप्टेशन का मतलब कि आप कबूल ही हो जाओ कि भाई क्लाइमेट चेंज तो होगा ही, ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही, ओशन लेवल तो राइज होगा ही, बस अब उसके सामने एडप्ट कैसे करें। मान लो सरकार कोई कानून बनाए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी बड़ी बिल्डिंग में करना होगा या किसानों ने करना होगा, अब आप समझो इससे डायरेक्टली जीएचजी तो कम नहीं होगा बट पानी की किल्लत के सामने आप लड़ सकते हो। हाँ इनडायरेक्टली हो सकता है कि भाई उतना वो डीजल पंप सेट कम चलाएंगे तो उतना जीएचजी कम एमिट होगा, बट दैट इज इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, सो इट इज वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन। सेम वे तटवर्तीय इलाकों में वाटर डिसलिनेशन प्लांट आप लगा दो, अब क्योंकि बारिश बहुत होती है तेज बाढ़ आ जाती है तो फ्लड एम्बेडमेंट का कोई प्रोजेक्ट चलाओ आप, सो ऑल दीज आर एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स। तीसरे विश्व में क्योंकि इनको ये वाली किल्लतें ज्यादा रहती है तो हमेशा तीसरे विश्व की प्रायोरिटी रहती है कि भाई एडेप्टेशन में कुछ पैसा हमको मिल जाए। सो अगेन जितनी भी UNFCCC या जो भी समिट होती रहती है, प्रथम विश्व वाले क्या बोलते हैं कि भाई मिटिगेशन करो, इतना टारगेट रखो, इतना पैसा देंगे, इनकी प्रायोरिटी क्या रहती है फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, भी एडेप्टेशन करना है उसके लिए कोई पैसा दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, सो लाइक दिस ये पूरा चलता रहता है। भारत का क्या स्टैंड है कि भाई 50-50% दोनों में फंडिंग हमको मिलना चाहिए, मिटिगेशन भी एडेप्टेशन भी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वालों का फोकस है मिटिगेशन। वैसे UNFCCC की ये समिट चलते चलते आगे एक बना ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, उन्होंने तो खैर अंत में ये बात मान ही ली कि हाँ एडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों जगह पे 50-50 होना चाहिए फंडिंग। खैर अब MCQ में कुछ ट्विस्ट करना होता आप याद कैसे रखोगे, मिटिगेशन को मैं ऐसे याद रखता हूं, मिटिगेशन मतलब मसे होता है मीथेन और मीथेन इज वन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो मतलब मिटिगेशन मतलब जीएचजी डायरेक्टली कम करो। दूसरे तरीके से मिटिगेशन मतलब उसमें आया गे से गैस, तो हाँ गैस कम करना है, सो अगेन मतलब कोई भी तिकड़मबाजी करके आपने याद तो ये कर लेना है मिटिगेशन के ये उदाहरण, एडेप्टेशन के ये हो सकता है वो दो तीन उदाहरण दे के ओनली वन एंड टू, ओनली टू एंड थ्री, नाउ यू कैन हैंडल दैट वन, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे भारत का जलवायु परिवर्तन के सामने क्या रुख है, एक तो CBDR वाला मुद्दा, दूसरा है फंडिंग वाला कि एडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों में 50-50 मिलता रहे, एंड थर्ड पिलर विल बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC उसका आर्टिकल 11 पढ़े, वो बोलता है प्रथम विश्व ने तीसरे विश्व को पैसा और टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी फॉर टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड तो नहीं, उन्होंने तो ये बोला है डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, बट दिमाग में आसानी से बैठ जाए तो मैं ऐसे याद रखता हूँ आर्टिकल 11 फर्स्ट वर्ल्ड टू थर्ड वर्ल्ड कुछ देना है, मतलब जिम्मेदारी उनकी है। सेकंड थिंग, फर्स्ट वर्ल्ड विकसित देशों के पास ढेर सारा पैसा है और दिमाग वाले लोग भी है, ऐसा दिमाग वाले वो बैठे तो भारत के ही है बट ब्रेन ड्रेन के चलते वहां पर पहुंच गए हैं, सो व्हाटएवर क्लीन टेक्नोलॉजी सोलर में कुछ या हाइब्रिड कार्स नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ बढ़िया करना है, सो व्हाटएवर क्लीन टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हो रही है वो पूरा रिसर्च वही लोग कर रहे हैं, तीसरे विश्व के पास ना तो पैसा है ना मैन पावर है, सो देयरफॉर ये जिम्मेदारी सारी किसकी बनी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वाले कुछ नया लेके आते हैं, लेटर से सोलर पैनल आपको पता है वो बहुत महंगे रहते हैं, मान लो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी बना दी कि वो सस्ते में उत्पादन किया जा सके, तो हाँ उसके ऊपर उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट तो करना है, भारत ये बात मानता है, बट एट द सेम टाइम ये हमारा IPR है और इसके पेटेंट के चलते रॉयल्टी में इतना ढेर सारा पैसा आप दे दो, उस प्रकार की प्राइस टैग के कारण ये पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो प्रोसेस हैम्पर नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स भारत जो बोल रहा है कि प्रथम विश्व ऐसी कोई क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में आदमी पैसा लगाए टेक्नोलॉजी बनाए बेशक उसका IPR भी प्रोटेक्ट हो बेशक, बट जब वो तीसरे विश्व को दिया जाए तो वो या तो आप हमको डिस्काउंट पे सस्ते में दे दो या फिर कोई ऐसे प्रावधान करो कि सभी प्रथम विश्व के लोग वो कोई फंड बना दे और उस फंड से ये जो भी इन्वेंटर है उसको रॉयल्टी पेटेंट का पैसा मिले और हमको सस्ते में टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो मतलब मुख्य परीक्षा में अब से लेके आगे तक, बिकॉज पेरिस समिट होगा दिसंबर 2015 में, मुख्य परीक्षा भी उसी वक्त होगा और हो सकता है उससे पहले हो जाए, सो अगेन तब तक तो मुद्दा अपने पास कोई नया होगा ही नहीं, तो जो भी पूछा जाए भारत का क्या रुख है यही मुद्दे रट के लिख देने हैं। फर्स्ट पिलर
सीबीडीआर हमारी जिम्मेदारी कम, प्रथम विश्व की ज्यादा, बिकॉज पॉवर्टी एनर्जी एसेस पे हमारा फोकस है। सेकंड, ढेर सारा पैसा चाहिए बट एडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा देना है 50-50। एंड थर्ड, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, तो प्रथम विश्व वो करे, उनके आईपीआर प्रोटेक्ट करे बेशक, बट वो प्राइस टैग उसके चलते पूरी प्रोसेस हैम्पर नहीं होनी चाहिए। इसके अनुसंधान में मुख्य परीक्षा में कोई सवाल पूछ सकते हैं, वो है ना अपना GS2 पॉलिसीज एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग और फिर मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो सब में इंडिया स्टैंड ऑन पोस्ट 2020 क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क इज गाइडेड बाई इट्स पेक्यूलियर सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इलेबोरेट। 2020 के बाद का क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का फ्रेमवर्क, वहां पर भारत का रुख वो उसके स्वयं के पेक्यूलियर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और डेमोग्राफिक प्रोफाइल के चलते हमारा पेक्यूलियर स्टैंड बना है। इस विधान को और विस्तृत करके इलेबोरेट करके आप लिखिए। तो बस जो भी अब तक हमने पढ़ा वही लिखना है, बट somehow you have to connect it, wording ऐसा बनाना है ताकि आप उसे justify कर सके ये pillar पे, कौन सा, अपनी socio economic और demographic profile की जिम्मेदारी। For example, अपनी demographic profile क्या है, 65% population below 35 age group, और उसका demographic dividend हमने reap करना है, उसके अनुसंधान में MSME industry को promote करना पड़ेगा, but at the same time हो सकता है कि वो सारी clean energy प्रकार की टेक्नोलॉजी ना यूज कर पाए, हो सकता है वो एफ्लुएंट को इतना ट्रीट ना कर पाए जैसा प्रथम विश्व की यूनिट्स करते हैं। सो सेम वे इस प्रकार के कोई लीगली बाइंडिंग हम उस कारण से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेम वे भारत के अंदर गरीबी है, इंडिया भारत का डिवाइड है, रूरल अर्बन इंडिया का डिवाइड है, और उसके चलते एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सेस इन सब में डिवाइड बना है। स्वाभाविक है इसके सामने लड़ना होगा, वी विल हैव टू, वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल योर लीगली बाइंडिंग थिंग्स। किसान है, किसान गरीब है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ती है, अब उसके चलते वो यूरिया यूज करे, नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट हो तो वो होता रहेगा, वो ग्रीन हाउस गैस से सामने लड़ने के लिए हम अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी कम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फूड सिक्योरिटी को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। सो लाइक दैट एडेप्टेशन करना है, मिटिगेशन 50-50। आपने अब तक जो भी पढ़ा वही चीजें यहाँ पर लिखनी है, बट समहाउ यू हैव टू प्रिपेयर द वर्डिंग इन सच मैनर कि आप जस्टिफाई कर पाए कि हमारा जो भी स्टैंड है वो इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर हैं, बट इसलिए क्योंकि अपनी सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। ठीक है, सो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, रायो समिट IPCC फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट देख लिया, क्योटो लीमा पेरिस तक हम पहुंच गए, और इन सभी चीजों पर भारत का जलवायु परिवर्तन पे क्लाइमेट चेंज पे ऑफिशियल रुख क्या है वो चर्चा करी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर फाइनेंस की बात करेंगे।